रुड़की के माधोपुर में जिम ट्रेनर वसीम की मौत पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासत चमकाने के लिए आए दिन वसीम का मुद्दा उठा रही हैं। इस मामले में अब भीम आर्मी की भी एंट्री हो गई है। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने रुड़की में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वसीम को इंसाफ दिलाने के लिए रैली निकाली। वसीम को इंसाफ दिलाने के लिए निकाले गए इस जुलूस और प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर प्रदर्शन किया। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने मालवीय चौक से तहसील परिसर पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान महक सिंह ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज पर भी सवाल उठाए, जिसमें वसीम का चाचा इसरार स्कूटी पर बोरा लेकर जाता हुआ दिखाई दिया था। पुलिस ने दावा किया है कि उस बोरे में गोवंश है। महक सिंह का कहना है कि वो वायरल वीडियो पुराना हो सकता है जो प्रशासन की तरफ से शेयर किया गया है। लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन इस सरकार से, इस प्रशासन से मुझे उम्मीद नहीं, लेकिन हम परिवार को बीच में छोड़ने वाले नहीं हैं। कंधे से कंधा मिलाकर परिवार के साथ खड़े हैं। अगर यहाँ सरकार की चल रही है तो सरकार को भी और इस प्रशासन को भी कोर्ट के माध्यम से जवाब देंगे और कोर्ट में घसीटने का काम करेंगे। मैंने पहली बात ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा है, और अगर ऐसा कोई वीडियो है भी तो हो सकता है कि वीडियो पुराना हो सकता है कि मुद्दे को भटकाने के लिए कोई वीडियो पुराना उठाकर सोशल मीडिया पर प्रशासन के द्वारा चलवाया गया हो। मेरा ऐसा कोई संज्ञान में मेरे कोई ऐसा मामला नहीं है। 25/8/2024 का सुबह 7:30 बजे का समय दिखा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो दिखाया जा रहा है, उसमें स्पष्ट ना तो कोई वीडियो में कोई व्यक्ति नजर आ रहा है, ना स्पष्ट उसमें जो स्कूटी दिखाई दे रही है उसका नंबर दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि किसी की साजिश हो। आगे 13 तारीख में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने आगे बताया कि उन्होंने दूसरा ज्ञापन शांतर साह दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को लेकर दिया है। महक ने कहा कि फरार आरोपी का बीजेपी के साथ संबंध है। और आज हमारे दो मांगों को लेकर ये ज्ञापन था, पहले वसीम भाई को न्याय दिलाने के लिए, और दूसरा एक प्रकरण लंबे समय से चल रहा है, शांतर साह प्रकरण, जिसमें 4-4, 5-5 लोगों ने सामूहिक बलात्कार एक बच्ची के साथ में किया। उन लोगों को जेल भेजा गया, लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरे साक्ष्य से छिपाने का काम किया और गुनहगारों को पनाह देने का काम किया, उन्हें आगे राय देने का काम किया, उस व्यक्ति पर अब तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जबकि प्रशासन के लोगों ने ही अपनी पीसी के माध्यम से कहा कि ये व्यक्ति साक्ष्य छिपाने में मुलजिम है, इस व्यक्ति को जेल भेजने का काम प्रशासन करेगा। लेकिन अब तक प्रधानपति शांतर साह को जेल नहीं भेजा गया है। ये मांग को लेकर भी हमारा ज्ञापन था और वसीम भाई को लेकर भी हमारा ज्ञापन था। समस्त बहुजन समाज के लोग मिलकर इस जुल्मी सरकार के खिलाफ, जो आज पूरी तरह से लोगों पर जुल्म अत्याचार करने पर उतारू हो गई है, खास तौर से इस देश के दलित समाज पर, इस देश के मुस्लिम समाज पर, हम सब बहुजन समाज के लोग मिलकर इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। समय के साथ साथ वसीम मामले की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। एक तरफ पुलिस प्रशासन का कहना है कि वसीम गौ तस्कर था और उसकी मौत तालाब में डूबने से हुई थी, दूसरी तरफ वसीम के परिजन पुलिस पर ही वसीम की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं सियासत भी इस मामले में चरम पर पहुंचती जा रही है। वसीम को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुकी है। विपक्षी पार्टियां लगातार धामी सरकार पर हमला बोल रही हैं। तो वहीं बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के समर्थन में खड़ी है। ऐसे में अब देखना होगा कि वसीम के मामले में चल रही राजनीति और लोगों का गुस्सा केस को किस नतीजे पर लेकर जाता है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।